वेलकम व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सेंट। ओके, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रॉपर्टीज इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, क्यों हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमें कास्टिंग जो चाहिए वो एक्यूरेट शेप साइज का चाहिए, साथ में डिफेक्टिव फ्री भी होना चाहिए। तो इन सारे कैरेक्टर को ऑप्टेन के लिए कास्टिंग में हम लोग मोल्ड सेंट जो है उनमें कुछ प्रॉपर्टीज उनका होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उस पर ही ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला परमिबिलिटी, रिफ्रैक्टिवनेस, स्ट्रेंथ, कोलेप्सिबिलिटी, फ्लूडिटी, एडहेसिवनेस, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन और लास्ट हमारा है टेम्परेचर। तो ये जो फैक्टर है यानी ये जो प्रॉपर्टीज है ये हम लोगों को सबसे पहले मोल्ड सेंट में कंसीडर करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग परमिबिलिटी पे। परमिबिलिटी क्या है? तो परमिबिलिटी को हम लोग देखिए यहाँ पर डिफाइन हम लोग किए हुए हैं कि परमिबिलिटी और पोरोसिटी ऑफ द मोल्डिंग सेंट इज द मेजर्स ऑफ एबिलिटी टू परमिट एयर टू फ्लो थ्रू इट। एयर भी कर सकते हैं या तो हम यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं गैस, गैस में एयर भी इंक्लूड हो जाएगा। ओके, क्योंकि देखिए सबसे पहले कि परमिबिलिटी इम्पॉर्टेंट क्यों है ये कैरेक्टर्स, क्योंकि आप जानते हो कि जब आप मोल्टेन मेटल को पोर करते हो मोल्ट कैविटी में तो मोल्ट कैविटी में पहले से भी एयर या गैस प्रेजेंट हो सकता है, साथ में मोल्टेन मेटल जब फर्नेस में होगा और जब पोरिंग टाइम आप जब पोर करते हो मोल्ट कैविटी में उस वक्त ये गैस के साथ इंट्रैक्ट हो सकता है मोल्टेन मेटल। तो मोल्टेन मेटल में क्या होगा, गैस जो है या एयर जो भी है वो क्या होगा, वो मिक्स कर हो जाएगा। मिक्स होने के बाद जैसे ये मोल्ट कैविटी में इन करेगा तो मोल्ट वॉल और मोल्ट मोल्टेन मेटल एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएगा। कॉन्टेक्ट में आने के बाद क्या होगा कि जो इसमें एयर है ठीक है या गैस है वो सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस यानी कि लिक्विड से जब वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो उस वक्त क्या होगा, जो गैस प्रेजेंट है वो आपका इससे बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि वो डिसॉल्व है। ठीक है, तो क्या सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस में ये आप जो देख रहे हो ये होल की तरह गैस आपका प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप का डिफेक्ट क्या होगा, जब आप इस कास्टिंग को बाहर निकालोगे तो आपको डिफेक्ट मिलेगा क्योंकि इसमें छोटे छोटे होल रहेंगे जिसे हम ब्लो होल भी कहते हैं या तो गैस इंक्लूजन भी कहते हैं। ओके, तो इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम लोग मोल्ड सैंड में जो है वो परमिबिलिटी जैसे कैरेक्टर को रहना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि परमिबिलिटी का आप देख रहे हो कि इसका मेन जो रोल होता है वो मोल्टेन मेटल में जो गैस डिसॉल्व है उसको एटमोसफेयर में परमिट करता है बाहर निकलने के लिए, स्कीप करता है या इजैक्ट करता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर ये एयर बाहर एटमॉस्फेयर में बाहर चला गया पहले ही मोल्टेन मेटल से तो क्या हो जाएगा, हमारा ये ब्लो होल जो है वो फॉर्म नहीं होगा, तो कास्टिंग जो ऑप्टेन करेंगे वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होगा। ओके, तो हम आते हैं कि मोल्ड सेंट का परमिबिलिटी चेक कैसे करेंगे। तो इसे हम परमिबिलिटी नंबर से डिफाइन करते हैं। परमिबिलिटी नंबर का फॉर्मूला होता है ठीक है वी एच डिवाइड करते पी ए टी। अब सबसे पहले कि वी एच पी ए और टी क्या है, वी जो है मान लीजिए कोई भी स्पेसिमेन लेते हैं हम लोग, सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन लिए जिसका कि हाइट एच है और डायमीटर डी है। ठीक है, तो वी जो हुआ हमारा, वी है हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर पासिंग थ्रू द स्पेसिमेन। ठीक है, एच क्या है, एच है हाइट ऑफ द स्पेसिमेन। पी जो है हमारा डिफरेंस ऑफ प्रेशर ऑफ एयर विच इज पासिंग थ्रू द स्पेसिमेन। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्पेसिमेन। टी जो है वो हमारा है टाइम टेकन बाय एयर पासिंग थ्रू द स्पेसिमेन। तो इस तरह से जब आप न्यूमेरिकल बनाओगे तो ये फार्मूला आप यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें बताएंगे कैसे परमिबिलिटी नंबर हम लोग फाइंड आउट करते या कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो हाँ एक बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जान लेना जरूरी है कि अगर, क्योंकि आप जानते हो जो मोल्ड सेंट है वो सिलिका क्ले मॉइस्चर ये सबसे मिलकर बना होता है। हाँ सिलिका, ठीक है, सिलिका का परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा परमिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी इस मोल्ड सेंट की। और सबसे पहले हम साइज पे भी आते हैं, शेप पे। अगर सिलिका का शेप
मान लीजिए ज़्यादातर जो है उसका ग्रेन का साइज वो अगर सेम है, ठीक है, तो सेम जो रहेगा तो उसका परमेबिलिटी जो होगा वो लो होगा। अगर वो डिफरेंट साइज का होता है तो परमेबिलिटी जो होगा, सॉरी वन मिनट ध्यान देना है, अगर वो सेम साइज का है, ठीक है, तो एक दूसरे को क्या होगा, वाइट प्रेजेंट नहीं होगा या होगा, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, दो चीज़ देना। अगर हमारा साइज सेम होता है, ठीक है, इस तरह से साइज सेम है, और एक है डिफरेंट साइज से, तो किसका परमेबिलिटी लो होगा, किसका परमेबिलिटी हाई होगा। आप देख सकते हैं यहाँ साइज सेम है तो परमेबिलिटी इसकी हाई होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉइड जो होगा वो प्रेजेंट होगा, ये वॉइड एक दूसरे को फिल नहीं करेगा। अगर हमारा साइज डिफरेंट है, एक छोटा एक बड़ा है सिलिका का ग्रेन, तो क्या होगा, ये छोटा वाला क्या अगर जो वॉइड आया तो इसमें ये प्रेजेंट हो जाएगा तो फिल कर देगा, वॉइड कम होगा, वॉइड जैसे ही कम होगा तो हमारी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, क्योंकि एयर को बाहर निकलने के लिए स्पेस उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कि साइज अगर सेम होता है तो परमेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी, अगर साइज डिफरेंट होता है तो परमेबिलिटी लो होगी। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है वो है रिफ्रैक्टिव, तो सेकेंड प्रॉपर्टीज है रिफ्रैक्टोरीनेस। ओके, तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग सैंड मॉल्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो मॉल्डिंग सैंड में प्रॉपर्टीज होना चाहिए रिफ्रैक्टोरीनेस। क्यों होना चाहिए, कि जैसे ही आप मोल्टेन मेटल को मॉल्ट कैविटी में पोर करते हो, ठीक है, तो मोल्टेन मेटल जो है मॉल्ट वॉल के साथ क्या होगा, कॉन्टेक्ट में आते ही रिएक्शन करेगा, दैट मीन्स यहाँ पर फ्यूजन स्टार्ट होगा। तो इस फ्यूज़न को रोकने के लिए हमें सैंड का जो है मॉल्ट सैंड, इसमें प्रॉपर्टीज होना चाहिए रिफ्रैक्टोरीनेस का, क्योंकि रिफ्रैक्टोरीनेस का अर्थ क्या है, यानी इसका डिफाइन हम इस तरह से कर सकते हैं कि किसी भी सैंड में एबिलिटी आएगा कि वो हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सके। जैसे कि वहाँ पर लिखा हुआ, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मॉल्डिंग सैंड टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर ऑफ लिक्विड मेटल। ओके, तो इस या क्योंकि जैसे ही देखिए, मान लीजिए अगर आपके सैंड में रिफ्रैक्टोरीनेस जैसी प्रॉपर्टीज नहीं होगी, हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड नहीं कर सकता है, तो जैसे ही मोल्टन मेटल को आप पोर करोगे तो क्या होगा, फ्यूजन स्टार्ट होगा। फ्यूजन स्टार्ट होने से आप देखोगे मॉल्ट वाल के साथ मोल्टन मेटल कैविटी टाइप के बनाने लगेगा, और जैसे ही इस कास्टिंग को आप बाहर निकालोगे तो इसमें डिफेक्ट मिलेगा। ओके, तो इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हमें पहले से ही सैंड में प्रॉपर्टीज होना चाहिए रिफ्रैक्टोरीनेस। ओके, नेक्स्ट हमारा है स्ट्रेंथ। ओके, तो स्ट्रेंथ जो है किसी भी सैंड जो आपका कास्टिंग मॉल्ट सैंड में यूज़ कर रहे हैं उसको टुगेदर यानी एक साथ होल्ड करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम स्ट्रेंथ कहते हैं। डिफाइन इज द प्रॉपर्टी ऑफ होल्डिंग टुगेदर ऑफ सैंड ग्रेन, स्ट्रेंथ को डिफाइन किया गया। ठीक है, अब है कि सपोज दैट मोल्टन मेटल को हम लोग पोर करते हैं मॉल्ट कैविटी में। ओके, जैसे ही मोल्टन मेटल पोर होगा मॉल्ट कैविटी में, अगर सैंड की प्रॉपर्टी यानी कि सैंड जो मॉल्ट सैंड है उसका स्ट्रेंथ लो है तो क्या होगा, आपका ये जो वॉल है मॉल्ट वॉल उसको वो डैमेज करेगा। ठीक है, यानी इस तरह से उसका शेप चेंज कर सकता है। तो जैसे कि शेप चेंज होगा तो यानी जब आप कास्टिंग को निकालोगे तो वो डिफेक्टिव होगा, यानी इसका जो साइज होगा वो एक्यूरेट और शेप भी एक्यूरेट नहीं होगा। तो इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए स्ट्रेंथ जो है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। अब है कि क्योंकि आप जानते हो कि जो मॉल्ट सैंड हम लोग प्रिपेयर करते हैं वो सिलिका होता है, क्ले होता है, मॉइस्चर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है कि मॉइस्चर। ओके, तो मॉइस्चर अगर प्रेजेंट होता है सैंड में तो वो हमारा जो सैंड होगा उस ग्रीन सैंड कहेंगे, और ग्रीन सैंड से रिलेटेड जो स्ट्रेंथ यूज होगा वो होगा ग्रीन स्ट्रेंथ। ओके, दैट मींस ग्रीन स्ट्रेंथ वैसा प्रॉपर्टीज हुआ कि जब हमारा
सेंट, ग्रीन सेंट हो यानी मॉइस्चर प्रजेंट हो, मॉइस्चर को आप विदाउट बाहर निकाले हुए, बाहर नहीं निकालते हो, ठीक है, उसे स्कीप नहीं करते हो और साथ में उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हो ताकि जो शेप और साइज है कास्टिंग का वो एक्यूरेट हो, तो उस स्ट्रेंथ को हम कहेंगे ग्रीन स्ट्रेंथ। जैसे कि आप देख सकते हो ग्रीन स्ट्रेंथ जो है इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए टू दो रीजन से, ओके, टू रिटेन शेप एंड साइज व्हेन मॉइस्चर इज प्रेजेंट। सेकेंड, दे शुड टेक द लोड ऑफ मोल्टेन मेटल इफेक्टिवली। दो रीजन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जनरली ऑब्जेक्टिव जो पूछता है ग्रीन सेंट, अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है सेंट में तो वो सेंट कौन सा सेंट है, ठीक है, तो ग्रीन सेंट होगा, ओके। अब हम चलते हैं ड्राई सेंट, ये स्ट्रेंथ पे डिवाइड किया गया, आप देख सकते हो ग्रीन स्ट्रेंथ, ड्राई स्ट्रेंथ और हॉट स्ट्रेंथ। तो हम ग्रीन हम लोग अभी देख चुके हैं, ड्राई देखते हैं। जानते हैं हम कि ग्रीन स्ट्रेंथ में एक्चुअली होता क्या है कि ये लो इफेक्टिव होता है, लो स्ट्रेंथ होगा ग्रीन स्ट्रेंथ, क्योंकि मॉइस्चर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अगर हमारी कास्टिंग बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उस वक्त लोड को कैरी करना उसके लिए मुश्किल होगा ग्रीन सैंड के लिए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ग्रीन सैंड का बैकिंग करते हैं। टेम्परेचर का रेंज उसका होना चाहिए 150 टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड और ड्यूरेशन उसका होता है 8 आवर टू 48 आवर, ठीक है, ध्यान रखिएगा 8 टू 48 आवर ये ड्यूरेशन होगा। और बैकिंग जो करेंगे हम लोग वो 150 टू 350, ठीक है, 150 टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो मॉइस्चर क्या होगा, स्केप हो जाएगा ग्रीन सैंड से और वो जो स्ट्रेंथ आएगा उस वक्त, जो टर्म हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा ड्राई स्ट्रेंथ। जैसा कि नाम में ही है कि मॉइस्चर को आपने स्केप करा दिया, ठीक है, ताकि शेप और जो साइज है हमारा कास्टिंग का वो रिटेन हो, ओके, साथ में लोड भी कैरी करे और हमारा जो कास्टिंग का साइज है वो हैवी है, बड़ा है। अब नेक्स्ट हमारा है हॉट स्ट्रेंथ। तो जैसा कि आप देख रहे हो जो हमारा ड्राई स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो ड्राई स्ट्रेंथ में आपने देखा कि शेप और साइज को रिटेन करने के लिए आपने मॉइस्चर को स्कीप किया। अब यहाँ है कि जैसे ही मोल्टेन मेटल को पोर करते हैं, ओके, मोल्टेन मेटल को जैसे ही पोर करेंगे तो मोल्ड वाल जो है, जैसे ही मोल्टेन मेटल के कॉन्टेक्ट में आएगा तो मोल्ड वाल का जो स्किन है, ठीक है, सपोज दैट 1 मिनट आप देख सकते हो, तो आप देख सकते हो फिगर में मोल्टेन मेटल को आपने पोर किया तो जो मोल्ड वाल के स्किन है उसका टेम्परेचर, ठीक है, मोल्टेन मेटल के टेम्परेचर के एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। तो उस टर्म में जो स्ट्रेंथ होगा वो होगा हमारा हॉट स्ट्रेंथ, क्योंकि इस वक्त टियरिंग को रोकने के लिए हम लोग उसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज कराते हैं और ये हॉट स्ट्रेंथ कहलाता है। कभी कभी हॉट स्ट्रेंथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, साव डस्ट आपने सुना होगा, साव डस्ट भी स्प्रिंकल किया जाता है मॉल्ट कैविटी के ऊपर, ताकि जिस वक्त आप मोल्टेन मेटल को पोर करते हैं तो उसके टेम्परेचर, मतलब जैसे ही उसके कांटेक्ट में आएगा, मोल्टेन मेटल कांटेक्ट में आएगा, साव डस्ट क्या होगा, जल जाता है, बर्न कर जाता है, ओके, ताकि आपको कास्टिंग को निकालने में भी इजीली आप निकाल सकते हो। तो ये था हमारा स्ट्रेंथ, ओके। तो नेक्स्ट हमारा है अब कोलेप्सिबिलिटी, ओके। तो कोलेप्सिबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सॉलिडिफिकेशन के वक्त में। जैसे ही आपने मोल्टेन मेटल को पोर किया तो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट होता है, दैट मीन्स वो लिक्विड मेटल से सॉलिड मेटल में कन्वर्ट होता है। तो इस दौरान आप जानते हो कि क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग श्रिंकेज अलायंस में पढ़े थे कि श्रिंक करता है। तो जो कास्टिंग श्रिंक करेगा उस वक्त में क्या होता है कि कोलैप्स होता है, ठीक है, मोल्ड। तो साथ में मोल्डिंग वाल जो है वहाँ पे क्या करता है, वो स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, स्ट्रेस कहेंगे या हम रेसिडुअल स्ट्रेस इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो उस चीज़, उस प्रॉपर्टी से ओवरकम होने के लिए हमें सेंट में कौन सा प्रॉपर्टीज होना चाहिए, कोलेप्सिबिलिटी होना चाहिए, दैट मीन्स मॉल्ड सेंट के पास गुड कोलेप्सिबिलिटी होना चाहिए, जिससे कि वो जो रेसिस्टेंस, मतलब कि
आपका मॉल्ट जो है कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जो आपका स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है मॉल्ट सरफेस पे, उसके वो रेसिस्टेंस उसमें हो, ताकि आपका जो कास्टिंग है वो डिफेक्ट नहीं हो, डैमेज नहीं हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफाइन करते हैं हम लोग कैसे लिखना है हमें। तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मॉल्डिंग सैंड ड्यू टू विच मॉल्ट सरफेस, ओके, मॉल्ट सरफेस विल नॉट ऑफर एनी रेसिस्टेंस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कास्टिंग। दिस प्रॉपर्टी कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग सावडस्ट और वुड फ्लोर। ठीक है, क्योंकि जैसे ही सावडस्ट हम लोग स्प्रिंकल करेंगे इस प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए, तो आप जानते हो कि आप जैसे ही मॉल्टन मेटल को उस पर पोर कीजिएगा तो क्या होगा, आपका सावडस्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, दोनों के बीच का जो कांटेक्ट होता है मॉल्ट वाल और मॉल्ट के बीच में, दोनों के सरफेस के, मॉल्ट सरफेस और मॉल्ट वाल के बीच में, वो एक दूसरे को फ्यूज नहीं होने देता है, ठीक है, CO2 गैस। तो जिससे कि आप कास्टिंग को जब निकालोगे मॉल्ट कैविटी से तो ईजिली निकल जाएगा, जिससे कि आपका मॉल्ट वाल जो है वो डैमेज नहीं होगा। ठीक है, पैटर्न निकालते वक्त ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है। तो ये रहा हमारा प्रॉपर्टीज कोलेप्सिबिलिटी। तो नेक्स्ट टर्म हमारा है फ्लूडिटी। फ्लूडिटी हुआ कि एबिलिटी ऑफ द मॉल्टन मेटल फ्लो इनटू थिन पासेस। तो ये हमारा था कैरेक्टर फ्लूडिटी का। नेक्स्ट हमारा है एडहेसिवनेस, ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड मिक्सचर टू एडहेर अनदर बॉडी। आप पढ़े होंगे एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव जो होता है सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा, और जो एडहेसिव होता है वो डिससिमिलर मॉलिक्यूल्स के, यानी डिससिमिलर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स या एटम्स जो भी कहेंगे हम लोग, उसके बीच में लगता है फोर्स। तो उसी टर्म से एडहेसिवनेस आया कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड मिक्सचर टू एडहेर अनदर बॉडी। सॉरी, अब है कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो क्योंकि ये टर्म इसलिए यूज़ हुआ कि आप जानते हो कि आप मॉल्टन मेटल को मॉल्ट कैविटी में पोर करते हो, टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो जो सैंड पार्टिकल है, मॉल्ट सैंड है, तो उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए, क्योंकि वो टेम्परेचर के कांटेक्ट में आ रहा है, हीट के कांटेक्ट में आ रहा है। ठीक है, तो उसकी जो कोएफिशिएंट होनी चाहिए एक्सपेंशन की, वो हमारा होना चाहिए लो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हाई होगा तो वो ज़्यादा डैमेज होने का चांस होगा, क्योंकि वो अपना शेप चेंज हो जाएगा, उसका मॉडिफाई हो जाएगा मॉल्ट का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टेम्परेचर। टेम्परेचर टर्म इसलिए यूज़ हुआ कि आप जैसे ही मॉल्टन मेटल को पोर करते हो, ठीक है, तो उस वक्त का टेम्परेचर जो होता है वो ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर कोई भी मॉल्टन मेटल का मेल्टिंग टेम्परेचर अगर एक स्पेसिफिक होगा, सपोज दैट टी है टेम्परेचर, ठीक है, तो और जो मोल्टन मेटल को हम जिस वक्त पोर करते हैं उस वक्त का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए 150 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए, ओके, इसलिए टेम्परेचर को भी कंसीडर किया जाता है। तो इस तरह से आप जो भी हमारा अभी कैरेक्टर हम लोग यानी प्रॉपर्टी जो सैंड में देखे, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ध्यान देना, क्योंकि कास्टिंग इससे क्या होगा हमारा फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होगा, जिससे कि आप फिनिश जो होगा वो एक्यूरेट शेप एंड साइज का आप कास्टिंग ऑब्टेन करोगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जितना मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर था, प्रॉपर्टीज था, वो हम लोग अभी देख चुके हम, क्योंकि ध्यान देना है आपको, क्योंकि जैसे सैंड पार्टिक मतलब सॉरी आप मॉल्टन मेटल को पोर करते हो, तो सैंड में क्या होता है, सैंड एक दूसरे से वहाँ पर मेटल स्टैटिक प्रेशर को एक फील करेगा, एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे, जिसके कारण क्या हो सकता है वहाँ पर डैमेज होगा। तो इन सारे चीज़ों को दूर करने के लिए मॉल्ट सैंड के पास ये जो हमने देखा 8 प्रॉपर्टीज वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।